कोटक जी महिंद्रा बैंक जी वीरेश्वर ने कॉल लिया है जून सीरीज का, स्ट्राइक जी प्राइस 2024 रुपये 50 पैसे पे, ये जून का लिया है इन्होंने। जून का, जून का। आई थिंक मेरे हिसाब से जून का है तो थोड़ा टाइम डेफिनेटली ट्रेड को दे सकते हैं। आई थिंक ट्रेड को थोड़ा टाइम दें। अभी बैंक निफ्टी जिस तरह से अभी चल रहा है, आई थिंक अगर यहाँ पे 1960 1970 वाले ब्रेकआउट हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनका स्ट्राइक इन द मनी आ सकता है। टाइम है तो इन द मनी स्ट्राइक आ सकता है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से कहीं 18 रुपये 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलें इसमें। ये तो आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, एक MCX का स्टॉक देखिए, रिजल्ट्स आए उसके बाद स्टॉक कमज़ोर हो गया है, 1318 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1312 रुपये फ्यूचर में, 1318 कैश में, 1312। क्या राय बनती है आपकी इस स्टॉक पे? देखिए रेंज बाउंड रहा है लास्ट कुछ सालों में इनफैक्ट, और अभी भी फिलहाल उसी रेंज को पकड़ के चल रहा है। तो आई थिंक मोटा मोटी 1200 से लेके इसकी 1500-1600 की एक रेंज रहती है। उसके बहुत बाहर लास्ट एटलीस्ट 2.5-3 साल से तो जा नहीं पाया है। इस बार भी 1600 के आसपास मोटा मोटी वहां से घूम गया, तो 1200 से 1600 की आप मोटा मोटी एक रेंज पकड़ लीजिए। आई थिंक लोअर एंड की तरफ आएगा तो मुझे लगता है कि 1200 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट्स हैं, वहां पर रिसीवर्ड्स बढ़िया हो जाएंगे। तो अगर किसी के पास है तो रखे रहे, और नहीं तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 1200 के आसपास आई थिंक अगर आता है तो लेने जैसा भी बनता है, और उस समय 100 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 1600 रुपये 1500-1600 रुपये के टारगेट्स रहेंगे। तो उसके लिए अगर किसी को प्ले करना है तो आई थिंक एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड जोन में है स्टॉक। जो ग्लैंड 6 से 9 महीने फार्मा मिनिमम आपको इस ट्रेड के लिए देने पड़ेंगे। और ज़्यादा गिर गया जी है, ग्लैंड फार्मा जी 14% हो गया, आप बालाजी माइन 10% से ऊपर है, लेकिन इन सब से हटके एक स्टॉक है कोचीन शिपयार्ड, 9.5% नीचे। कुछ उसमें खबर है क्या सरवेन सर जी? मेरे 9.5% नीचे है कोचीन शिपयार्ड। जी मेरे पास कोई खबर तो नहीं सर। चार्ट पे बोल सकता हूँ ये जो गैप डाउन हो गया इसका कारण तो बाजार अपने आप ढूंढेगा, बट जिस तरह से गैप डाउन हुआ है आई थिंक क्लियरली अच्छा संकेत नहीं है। अब उछालों में इसमें सेलिंग आती रहेगी। अब इतने बड़े गैप के बीच में आप रिसीवर तो नहीं निकाल पाएंगे, बट मेरा लगता है, मेरा मानना यह है कि अगर किसी कारण से 515-520 की तरफ पुलबैक आता है तो किसी के पास अगर है तो आई थिंक थोड़ा बेचना चाहिए। और एक जेके लक्ष्मी सीमेंट, नतीजे कमज़ोर थे, स्टॉक गिर जी गया है। देखिए सीमेंट में तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल थोड़ा प्रेशर रहेगा, बड़े नामों में भी रहेगा। तो आई थिंक ये स्पेस भी अब ऐसा है कि जो आउट परफॉर्म करके खड़ा है इंडेक्स को, और मैं जो पहले से बोलता चला हूँ कि जहां पे अंडर परफॉर्मेंस है वहां पे कहीं रिवॉर्ड मिलेंगे, और जहां पे आउट परफॉर्मेंस है वहां थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से पनिशमेंट वाला सेक्टर है, और मेरा मानना है कि 820 के ऊपर जाने में इसको टाइम लगेगा नेक्स्ट 1 से 3 महीने में। तो मुझे नहीं लग रहा कि 820 के ऊपर जा पाएगा। यहाँ भी बेचें चाहे, नहीं तो उछालों में थोड़ा बेचें, बट 825 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा मानना है कि स्टॉक धीमे धीमे करके तकरीबन 650 की तरफ फिसल जाएगा।